हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, प्रभास की मच अवेटेड अपकमिंग मूवी कल की 2898 AD से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट मार्केट में फैल रही है। और गाइस, इसका 50% न्यूज पूरा कंफर्म है कि भाई कल की 2898 AD अगर अपने रिलीज डेट May 9 को ओवरसीज में रिलीज होती है तो भाई वो एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप होगी इंडियन हिस्ट्री में। और शायद कल की 2898 AD प्रीपोन की जगह पोस्टपोन भी हो सकती है। तो गाइस, क्या है ये माजरा, क्या है ये अपडेट और न्यूज, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो गाइस वीडियो में बने रहना। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग न्यूज कल की से रिलेटेड और बहुत सारी मूवीज से रिलेटेड आपको हर दिन हर रोज देखने को मिलेंगे। तो गाइस, सबसे पहला अपडेट जो मैं आपको देने वाला हूँ वो है भाई कल की से रिलेटेड की भाई कल की जो है प्रीपोन की जगह पोस्टपोन हो सकती है। आप लोग यदि मुझे फॉलो करते हो तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में जो कल्की से रिलेटेड जो अपडेट मैंने आपको दी है वहां पे मैंने आपको बोला था कि भाई कल्की जो अपने रिलीज डेट से पहले आ सकती है, मतलब प्रीपोन हो सकती है, पोस्टपोन तो होगी ही नहीं। लेकिन भाई अभी जो हालात हैं कल्की को लेके भाई ऐसा लग रहा है कि भाई कल्की जो है अपने रिलीज डेट को पोस्टपोन कर सकती है और भी ज्यादा लेट में हमें कल्की देखने को मिल सकता है, जो कि उसका रीजन है भाई हॉलीवुड की एक बहुत ही बड़ी मूवी। पर भाई आप लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि भाई कल्की तो एक इंडियन मूवी है, ये तो इंडिया में रिलीज होगी, तो भाई ये फ्लॉप कैसे हो सकती है, एक हॉलीवुड मूवी के वजह से ये मूवी फ्लॉप कैसे हो सकती है भाई ओवर सीरीज में। तो गाइस, मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई ओवर सीरीज में भाई कल की एक बहुत ही बड़ी मूवी होने वाली है, क्योंकि भाई ये इंडिया की पहली फ्यूचरिस्टिक और डिस्टोपियन मूवी है और ऊपर से इंडिया की सबसे हाई बजट मूवी है, एक तरीके का सुपर हीरो मूवी बोल सकते हो, क्योंकि भाई कल की जो है कॉमिक कॉन में भी जा चुके हैं। और भाई इसके जो डायरेक्टर, इसके जो मेकर्स हैं भाई, इसको भाई 20 डिफरेंट लैंग्वेज में रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं होल ओवर वर्ल्ड। तो भाई आप सोच लो कल की कितनी बड़ी मूवी है और भाई इसके जो डायरेक्टर हैं वो भाई ओवरसीज को लेके कितने ज्यादा सीरियस हैं। तो यार बैक टू अवर टॉपिक, मैं आपको बता दूं कि भाई कल की जो है उसका सबसे बड़ा कॉम्पीट भाई हॉलीवुड में ओवरसीज में है। भाई हॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी जो रिलीज होने वाली है May 10 को, किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स, भाई ये मूवी सबसे भयंकर मूवी है भाई, जो क्योंकि भाई जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट रिलीज हुआ था पब्लिक पूरा पागल हो गई थी, और इसका जो सेकंड पार्ट है भाई ये ऑलमोस्ट 1 बिलियन टच करने वाली थी। तो भाई अब सोच लो इसका जो थर्ड पार्ट जो रिलीज होने वाला है May 10 को, तो भाई ये कितनी बड़ी मूवी होने वाली है। और भाई जब ये मूवी रिलीज होगी ना, तो भाई मैं कंफर्म बोल देता हूं कि भाई कल की 2898 AD को ओवर सीरीज में भाई IMAX और IMAX 3D का कोई भी वर्जन स्क्रीन नहीं मिलने वाला है। पर भाई मैं आपको क्लियरली बता दूं कि भाई एक मूवी का जो असली कमाई होता है वो भाई IMAX थिएटर से होता है, IMAX स्क्रीन से होता है, IMAX 3D और 4D स्क्रीन से होता है, क्योंकि भाई जब एक मूवी IMAX में रिलीज होती ना तो उस मूवी का जो एवरेज टिकट प्राइस होता है वो भाई IMAX में जाने के बाद उसका डबल ट्रिपल हो जाता है। तो भाई आप सोच लो IMAX में एक मूवी का रिलीज होना कितना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और भाई ये कल की है इंडिया की सबसे पहली फीचर और डिस्टोपियन मूवी जो कि हाई बजट में है, और इसके जो डायरेक्टर जो सोच रहे हैं इसको 20 डिफरेंट लैंग्वेज में और 20 डिफरेंट कंट्री में रिलीज करने के लिए, तो भाई ओवर सीरीज में भाई कल की के लिए IMAX का थिएटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गाइस, इसी रीजन की वजह से हॉलीवुड की इस बड़ी किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स के वजह से जो कंफर्म हो चुकी है कि May 10 को रिलीज होने वाली है, कल की के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि भाई कल की रिलीज होने वाली है 9 May को होल ओवर द वर्ल्ड। पहले दिन तो भाई कल्की को IMAX थिएटर का सारा स्क्रीन मिल जाएगा भाई, ऑलमोस्ट सारा स्क्रीन मिल जाएगा, लेकिन जब May 10 को किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स रिलीज होगी तो भाई पूरा का पूरा IMAX थिएटर, पूरा का पूरा IMAX स्क्रीन भाई उस हॉलीवुड मूवी को मिल जाएगा, जो कि कल्की के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वाली बात है। तो यार इसी रीजन की वजह से हॉलीवुड की एक बिग बजट बिग मूवी की वजह से, बिग फ्रेंचाइजी मूवी की वजह से शायद इस मूवी के डायरेक्टर और इस मूवी के मेकर्स प्रोड्यूसर कल्की को पोस्टपोन कर सकते हैं और थोड़ा आगे ले सकते हैं। इसका ऑफिशियल अपडेट बहुत ही जल्दी आपको मेकर्स के तरफ से देखने को मिलेगा, और आप लोग वो मिस नहीं करना चाहते तो भाई जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज में आपको कल्की से रिलेटेड हर दिन अपडेट दे सकूं। जब भी इसका ऑफिशियल कुछ अपडेट आएगा सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, आप वो मिस नहीं करना चाहते तो भाई जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग न्यूज आपको हर दिन हर रोज देखने को मिले। तो गाइस, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ EV Explain में।